हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के आखिरी दो दिन बचे हैं। इस बीच पीएम मोदी ने शाहपुर से चुनावी हुंकार भरी है। पीएम मोदी ने प्रदेश की जनसंख्या के लिहाज से सबसे बड़े जिले कांगड़ा के शाहपुर स्थित चंबे मैदान में रैली की। शाहपुर में रैली से पीएम मोदी ने जिला कांगड़ा की 15 सीटों को साधने का प्रयास किया। सबसे अधिक 15 सीटों वाले कांगड़ा जिले में प्रधानमंत्री की रैली महत्वपूर्ण मानी जा रही है। रैली में पीएम मोदी ने जमकर कांग्रेस को निशाने पर लिया है। पीएम ने डबल इंजन सरकार और सिंगल इंजन सरकार के फायदे व नुकसान भी गिनाए। ये डबल इंजन सरकार काम करती आई है और आगे भी करती रहेगी। आपका आशीर्वाद चाहिए। जब माताओं बहनों का आशीर्वाद मिल जाता है तो उन्हें कोई भी नहीं हिला सकता। हम महिलाओं की हर चुनौती को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि बेटी के लिए पढ़ाई से लेकर नौकरी, स्वास्थ्य क्षेत्र में अवसर दिए हैं। ब्लॉक ट्रक पार्क, मेडिकल पार्क यहाँ बन रहे हैं। 5G से हिमाचल का विकास होगा। घर बैठे दवाइयां मंगवा पाएंगे। वहीं 75 सालों में कांग्रेस ने यूनिवर्सिटी विस्तार के लिए कुछ नहीं किया और आज हर तरह से शैक्षणिक संस्थान बन चुके हैं, जो भाजपा की देन है। हिमाचल में उद्योग को लेकर बहुत संभावना है। अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो मोदी जी जो मर्जी कर ले, ये कुछ नहीं करने देंगे। कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में प्रदेश में सिर्फ 15 घर बनाए हैं, जबकि जयराम ठाकुर ने 10,000 स्वीकृत किए, जिसमें से 8,000 बन गए हैं। कांग्रेस ने वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन की आयु कम कर दी। कोरोना के समय कितनी मुश्किल आई, हम भी सोच सकते थे कि सरकार तो बदलनी है, लेकिन हमने ऐसा नहीं सोचा। हमने तय किया काम करेंगे और टीकाकरण पर जोर दिया। हिमाचल ने सबसे पहले 100% टीकाकरण पूरा किया। हिमाचल के पास विकास के दो दो इंजन है। केंद्र की योजनाओं के समक्ष अन्य योजना शुरू कर दी है। आयुष्मान के सामने हिमकेयर शुरू कर दिया। कई राजनीतिक दल परिवारवाद पर चल रहे हैं। कांग्रेस एक बार सरकार से गई तो वापस नहीं आती है। तमिलनाडु में 60 साल से कांग्रेस को घुसने नहीं दिया। त्रिपुरा सहित अन्य राज्यों में कांग्रेस को नहीं आने दिया। कई राज्यों में तो कांग्रेस का एक भी विधायक नहीं है। कांग्रेस का आधार आज भी परिवारवाद ही है। आप लोगों ने 5 साल पहले कांग्रेस की विदाई की थी, अब दोबारा लौटने नहीं देना है। कांग्रेस के लोग यही सोचते हैं कि अगली बार सरकार तो बनी नहीं है, तो मजे लो और बस पैसे कमाओ। हम ऐसी राजनीतिक परंपरा बनाना चाहते हैं कि लोग बार बार मौका दें। जब हिमाचल के पास डबल इंजन की सरकार होगी तो कई चुनौतियों को पूरा कर सकते हैं। हिमाचल भाजपा के 11 शुभ संकल्प है। कांग्रेस कभी हिमाचल को स्थिर सरकार नहीं दे सकती। कांग्रेस यानी अस्थिरता, घोटाले, विकास कार्यों में रोड़े अटकाने की गारंटी। भाजपा की पहचान सुशासन से है। भाजपा वही कहती है जो करती है। 2019 के लोकसभा चुनाव में आपने करके दिखाया है। मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा सहित कई राज्यों में भाजपा की सरकारें कई बार रिपीट हुई है। उत्तराखंड और यूपी में भी ऐसा ही हुआ है। मणिपुर में भी भाजपा की सरकार एक बार फिर से आई है। इसकी तुलना कांग्रेस से करिए। हिमाचल प्रदेश में जो काम हुए वे सराहनीय है। केंद्र की योजनाओं को जयराम ठाकुर ने लागू किया और हिमाचल में भी अपनी योजना चलाकर लोगों का भला किया। हिमाचल का जन जन भाजपा के साथ खड़ा है। वहीं सुरेश कश्यप ने प्रदेश सरकार के विकास कार्य को भी बताया। मेरा तो अनुभव कहता है कांग्रेस यानी अस्थिरता की गारंटी, कांग्रेस यानी भ्रष्टाचार घोटाले की गारंटी, कांग्रेस यानी विकास कार्यों में रोड़े अटकाने की गारंटी। साथियों, भाजपा ने राजनीति में विकास को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बनाया। आज भाजपा की पहचान सुशासन से है, गरीब के कल्याण वाली नीतियों से। भाजपा वही बातें कहती है जो कर सकती है और जो कहती है उसे पूरा करने के लिए पूरी शक्ति खपा देती है। वहीं कई राजनीतिक दल सिर्फ और सिर्फ परिवारवाद और वोट बैंक की पॉलिटिक्स के भरोसे चल रहे हैं, इसलिए बीजेपी की सरकारों का जैसे जैसे लोगों को अनुभव आता है, लोगों का विश्वास बढ़ता जाता है और बार बार आशीर्वाद मिलता रहता है। आपने 2019 के लोकसभा चुनाव में ये करके दिखाया है। भाजपा सरकार पूर्ण बहुमत के साथ फिर वापस आई।
मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, गोवा जैसे राज्यों में बीजेपी सरकारें कई कई बार सरकार में वापस आई है। अब तो इस बार उत्तराखंड के लोगों ने भी पुरानी परंपरा को बदलते हुए बीजेपी को ही दोबारा बिठाया।